Now, ways by which drawings can be done. अब drawings किन तरीके से हो सकती है, ऐसे कौन कौन से ways हैं? Let us see, we are having case one, when date of drawing is not given. जब हम drawing तो करते हैं लेकिन हमें वो drawing कब करी रहती है हमें ये याद नहीं रहता है, उस केस में क्या होगा? We will study in further slides. Second case क्या है? जब हमें drawings के बारे में थोड़ी बहुत detail दी होती है. थर्ड केस है जब हमें ड्राइंग्स के बारे में फुल डिटेल्स मिलती है. ये तीनों केस हैं जिनमें कि एक पार्टनर ड्राइंग कर सकता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों केस को डेप्थ में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी ऑल थ्री केस. सो गोइंग टू द फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन द डेट ऑफ विथड्रॉ इज नॉट गिवन. व्हाट हैपन, वी अज्यूम दैट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज टू बी चार्ज फॉर एवरेज मंथ, दैट इज 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ. आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. हम क्या एज्यूम करते हैं कि हम जब हमको डेट नहीं दिया रहता है तब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग है वो हम क्या करेंगे, 6 मंथ पे चार्ज करेंगे, यानी कि एवरेज मंथ पे चार्ज करेंगे. इफ द डेट ऑन विच द अमाउंट इज विड्रॉन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, द इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग विल बी कंप्यूटेड ऑन द होल अमाउंट For 6 months, assuming that the money is drawn throughout the year. इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई रहती है विड्रॉल की तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होगा. फॉर द होल अमाउंट, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग पूरे अमाउंट के लिए 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा. हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो मनी ड्रॉन हुआ है वो होल ईयर में ड्रॉन हुआ है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. माई एग्जाम्पल इज कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स ऑफ रॉबिन फॉर एट द रेट 10% पर एनम. हमें क्या करना है, रॉबिन क्या है, इसमें इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं. जाहिर सी बात है कि रॉबिन पार्टनर है, रॉबिन इज पार्टनर ऑफ द फर्म, उसने फर्म से ड्रॉइंग करी है. अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है फॉर द रेट ऑफ 10% एंड पर एनम. इसमें हमें टू सिचुएशंस दी गई है. फर्स्ट सिचुएशन ये है जब रॉबिन क्या करता है, ही विड्रॉ 1500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे ईयर में रॉबिन हर महीने 1500 रुपए विड्रॉ करता है. सेकेंड सिचुएशन हमें ये दी गई है, If his drawing during the year were ₹35,000, इसका मतलब है for the whole year का amount दिया गया है हमें. Now अब हम इसको कैसे solve करेंगे, let us see. This is solution for the above question. तो हम क्या करते हैं इसमें, let me take my pen. This is my pen. जो हमारी पहली सिचुएशन है उसमें क्या है, 1500 क्या है, अमाउंट है फॉर 1 मंथ. तो हमें किस कितने मंथ का चाहिए, 12 मंथ्स का चाहिए. वाई, क्योंकि हमें ईयरली करना है कैलकुलेट, हमें ईयरली करना है. जो रॉबिन है उसने 1500 पर मंथ निकाला है थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग द होल ईयर. Now, what will we do? We will multiply this with 12 and we will get the amount ₹18,000 for whole year. Now, the rate of interest is given 10%. So, we will calculate interest on drawing as 18,000 into the rate of interest into the time duration. When the date is not given, we assume that time duration is average month. That is 6 months out of 12 and we get the answer ₹900. Situation 2. What happens when Robin withdraw 35,000 for whole of the year? At that time, how will we calculate interest on drawing? We are having 35,000 amount. Amount is given for the whole year, so we need not to evaluate it. Now, rate of interest is given and time duration we already know, that is 6 months out of 12. So, the answer is 1750. So,
स्टूडेंट्स, दिस इज द वे इन विच वी इवेल्युएट वॉट इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग इन केस वन वेन डेट इज नॉट गिवन। तो इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज यही है कि क्या वॉट यू विल एज्यूम डैट द टाइम ड्यूरेशन इज 6 मंथ। जो मेन चीज है इसमें, जब हमको डेट नहीं दी गई होती है ड्रॉइंग में, देन हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स। नाउ लेट अस स्टडी। अब इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये तो सिंपल सा था, हमको डेट नहीं दी है तो सीधे सीधे हमने एज्यूम कर दिया। लेकिन जब हमें क्या होता है, कुछ चीजें दी गई रहती है, देन हम इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग का फॉर्मूला ये है सी। और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। हम टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग करते हैं, हमने यही करा, हमने क्या करा था, रॉबिन को रॉबिन का हमने इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया था। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या थी, सिचुएशन वन में 1500 था, हमने इंटू 12 करा था, हमें क्या मिला 18000। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग वॉज 18000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% एंड एवरेज पीरियड, व्हाट वाज एवरेज पीरियड, 6 मंथ आउट ऑफ 12। सो ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का। एंड जो नेक्स्ट चीज है वो ये है एवरेज पीरियड। व्हाट इज एवरेज पीरियड, ये जो एवरेज पीरियड होता है ना, ये जो ये लिखा है ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हमने एज्यूम किया है, बट जब हमको थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई रहती है, देन हाउ विल वी एज्यूम इट, दिस इज अ फॉर्मूला टू इवेल्युएट द एवरेज पीरियड, दैट इज नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट विड्रॉल ऑफ द टू द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि नंबर ऑफ मंथ, अगर हमने विड्रॉल करा है सपोज फर्स्ट ऑफ अप्रैल को, देन थ्रू आउट द एंड ऑफ ईयर के लिए कितने मंथ हो जाते हैं, 12, क्योंकि हमने जो ये विड्रॉल करा है ये हमने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दिया, तो 12 हो जाते हैं। अगर हम विड्रॉल करते हैं फर्स्ट ऑफ अप्रैल, मई, जून, देन हमारे पास नंबर ऑफ मंथ कितने लेफ्ट होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 9, वी आर लेफ्ट विथ 9 मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नो, वी आर लेफ्ट विथ 10 मंथ्स। व्हाई, क्यों 10 कैसे आया, बिकॉज ये जो विड्रॉल हुआ है ये फर्स्ट ऑफ जून को हुआ है, फर्स्ट ऑफ जून को हुआ है। इसका मतलब है कि द मंथ ऑफ जून विल ऑल्सो बी एडेड इन दिस सिचुएशन, सो वी आर हैविंग एवरेज पीरियड इज 10। नाउ प्लस नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट विड्रॉल टू द एंड ऑफ ईयर। अब हमने ये फर्स्ट विड्रॉल तो हमने ये करी, अब लास्ट विड्रॉल हमने कब करी, हम उसका भी लिखेंगे, देन अपॉन 12। इस तरीके से हमें एवरेज पीरियड पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग भी आपका फॉर्मूला है, जस्ट नोट इट डाउन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल। अगर हम मंथली करते हैं देन क्या है सिचुएशन, क्या है क्वार्टरली करते हैं देन क्या सिचुएशन है, हाफ ईयरली करते हैं देन क्या सिचुएशन है। सी स्टूडेंट्स, आप ये सब क्या है पहली बार देख रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू बी व्हाट पैनिक, और पैनिक तो मैं नहीं बोलूंगी, आपको थोड़ा सा भी व्हाट कंफ्यूज होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सिंपली। अब मैं आपको ये सारी चीजें जो भी ये विड्रॉल हुई है आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। सो एट द बिगनिंग क्या होता है, विड्रॉल